नमस्कार, आप देख रहे हैं इटीना स्वदेश। ये है मार्केट के महारथी सेगमेंट, जहां बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर्स, हेड ऑफ रिसर्च, सीआईओज को लेके आते हैं और डिटेल में बातचीत करते हैं कि बाजार में इस समय क्या बातों पर ध्यान रखना चाहिए और इस इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करना चाहिए। हमारे साथ आज एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीआईओ आशीष गुप्ता जुड़ रहे हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश से बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आशीष, सबसे पहले मैं एक बहुत ही बेसिक बात से अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा। बाजार में एक बढ़िया रैली हुई है 3-4 साल में, अगर ईयर टिल डेट देखें तो भी ये कहना मुश्किल होगा कि कोई भी इस समय बाजार में ने मुनाफा नहीं कमाया होगा, सबने अपने अपने हिसाब से गेन्स लिए हैं। तो ये सवाल उठ के आ रहा है, अब एक तरफ बात ये आ रही है कि बाजार बहुत चल चुका है और अब महंगा हो रहा है ऑन एवरेज, और कुछ सेक्शंस ऑफ द मार्केट ज़्यादा फ्रॉथी हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये व्यू आ रहा है कि साहब बाजार में एक्चुअली अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से चल आई है। 4 साल का अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ देखें उसके साथ बाजार चला है, तो महंगा होने का सवाल क्या होता है? आप कैसे इस समय अप्रोच कर रहे हैं इस बात को? आई थिंक अजय जी, दोनों ही बातें कई मायनों में सच है। तो आई थिंक दोनों पक्ष की बातें ठीक हैं। और अगर हम आगे का रुझान देखें बाजार का, तो मेरा भी ये मानना है कि बाजार अर्निंग ग्रोथ के मुताबिक ही चलेगा। पर हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अर्निंग्स की बढ़ोतरी की दर है, पिछले 3 साल में तकरीबन 24% के करीब रही है। एंड ये मैं निफ्टी की अर्निंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें, वहाँ पे पिछले साल भी जो अर्निंग थी वो तकरीबन 35% बढ़ी थी। बट अगर हम अगले साल की अर्निंग फोरकास्ट की बात करें, इवन एक महीना पहले तक अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट निफ्टी की FY25 की सिर्फ 14% थी। और अगर हम पिछले 10 दिन देखें जिसमें कई बड़ी कंपनियों ने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, एक्चुअली अर्निंग ग्रोथ इस 14% से भी कम पे ही चल रही है। तो अभी तक इस क्वार्टर में अर्निंग ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। तो आई थिंक हम मार्केट से एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि हमको मार्केट से एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स के मुताबिक ही रखनी चाहिए। और उस मायने से भी अगर देखें, और जैसे हम म्यूचुअल फंड्स की सारी पैम्फलेट और एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं कि डोंट लेट पास्ट रिटर्न्स रिफ्लेक्ट व्हाट लाइज इन द फ्यूचर, तो हमको पिछले 2-3 साल के रिटर्न को बेंचमार्क नहीं करना चाहिए कि जो रिटर्न अगले 2-3 साल में मार्केट से आ सकता है। फेयर पॉइंट। चलिए थोड़ी और बड़ी तस्वीर देखते हैं। एक बात तो ये कि पिछले 4 साल में बहुत औसत से ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा बेटर रिटर्न्स बने, इंडेक्स ने हाई डबल डिजिट नंबर दिए, मिड कैप स्मॉल कैप में 30-35% के कैगर दिए। और बाजार में ये भी उतना ही सच है कि चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, अगर बहुत डिप्रेस्ड हैं तो पॉजिटिव होती हैं, बहुत बढ़ी हुई हैं तो नीचे आती हैं। तो नेक्स्ट 4 से 5 साल का अगर हम व्यू लेके बात करें, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इतना जल्दी पैसा बाजार में डालता है, निकालता है, वो एक्टिविटी नहीं करता है, वो बना रहता है, तो क्या पिछले अगले चार पाँच साल में हमें 12-13%, 14% एट बेस्ट रिटर्न कैगर का अगर मिले तो अपने को अच्छा समझना चाहिए, वो बढ़िया रिटर्न होगा, क्या मॉडरेट करनी चाहिए एक्सपेक्टेशंस? आई थिंक अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें, मार्केट एक इकोनॉमी का झरोखा है, तो मार्केट के जो रिटर्न है वो भी इकोनॉमी के मुताबिक ही चलने चाहिए। और अगर मार्केट में देखें तो जो कंपनी की प्रॉफिट है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है नॉमिनल जीडीपी से। और जो इंडिया की फोरकास्ट है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10-11% का एवरेज रहेगा अगले 3 से 5 साल तक, तो कंपनी के प्रॉफिट इससे थोड़ा 2-3% से ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो आई थिंक मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी इसी रेंज में इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है किसी साल मार्केट 20% बढ़े, किसी साल 10% घटे, बट अगर आपका 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपको
नॉमिनल जीडीपी और उससे एक 2-4% प्लस माइनस का ही रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। जी चलिए एक बार इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रही है लास्ट 3-4 साल में, ग्रोथ अगर हम बात करें डायरेक्शन ही, और अब ये बात आ रही है कि 8% भी टच करके अब यहाँ से 6-7% के रेंज में शायद चलेगी। डिपेंड करता है हम कौन सी एजेंसी की बात सुन रहे हैं। क्या आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि नेक्स्ट 3 से 5 साल हम 6-7% की बैंड में इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है, और वो भी एक बढ़ता हुआ बेस पे? आपको उसमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है? आई थिंक अगर हम इकोनॉमी के ड्राइवर देखें, इकोनॉमी के ड्राइवर जो पिछले 2 साल में सामने आए हैं, कंजम्पशन के अलावा मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट में काफी फोकस रहा है, और उसके साथ साथ हमने देखा है कि ये ग्रोथ आई है जबकि गवर्नमेंट ने भी फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ मूव किया है। और अब अगर हम कंपनियां देखें, गवर्नमेंट देखें, दोनों की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनियों में डेट लेवल बहुत कम है, बैंक की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा हेल्दी है, और गवर्नमेंट के पास भी देखें तो गवर्नमेंट का आपने ये बजट में भी देखा होगा, रेवेन्यू कलेक्शन हैव बीन वेरी गुड और फिस्कल डेफिसिट हैज कम डाउन। तो ये जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है दैट रियली गिव्स कॉन्फिडेंस की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो सस्टेन हो सकती है। ये ग्रोथ किन सेगमेंट से आएगी, हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट 2 साल में इन्वेस्टमेंट साइड अच्छा ग्रो कर रही है, कई सेक्टर जैसे रियल एस्टेट हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, और इसके साथ नाउ वी आर स्टार्टिंग टू सी कंजम्पशन में भी साइक्लिकल रिकवरी आने लगी है। तो आई थिंक इकोनॉमी के जो भी इंजन हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के दोनों अगर इकट्ठे चलेंगे तो आई थिंक ये 7% ग्रोथ अगले 3 से 5 साल के लिए बहुत मुश्किल नहीं लगती है। आशीष, हम बाजार की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट लोगों का बहुत स्ट्रक्चरली इम्प्रूव हो गया है, छोटे छोटे शहरों में लोग SIP कर रहे हैं, बट उसका डाउनसाइड ये है कि बहुत एक्साइटेड मार्केट्स में ट्रेडर्स भी बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमने देखा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो क्या इसको अगर हम एनालाइज करें तो 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। अगर आपको क्या ये पॉसिबल है कि इक्विटी ट्रेडिंग में अगर ज़्यादा कमर कसी जाए तो पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की तरफ, वेल्थ मैनेजर्स की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्या ये एक बात समझना जरूरी है? लोग ट्रेड कम करेंगे, ब्रोकर से पैसा निकलेगा और वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स और इवन शायद MCX के वॉल्यूम बढ़ जाएं क्योंकि ट्रेडिंग इक्विटी से, ऐसा पॉसिबल है क्या? आई थिंक सेबी ने इसके ऊपर पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी रिसर्च निकाली है। उन्होंने F&O मार्केट के ऊपर रिसर्च निकाली थी और वो दर्शाती है कि 10 में से 9 ट्रेडर पैसा खोते हैं। कुछ ही दिन पहले सेबी ने कैश मार्केट पे भी सिमिलर रिपोर्ट निकाली कि जो डे ट्रेडर होते हैं उनमें से 7 में से 10 डे ट्रेडर पैसा खोते हैं। तो आई थिंक सारे के सारे इंडिविजुअल चाहे छोटे शहरों में बड़े शहरों में हो, आई थिंक सबका एक्सपीरियंस उनको यही इंडिकेट करेगा कि दे हैव टू मूव टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैन हैपन थ्रू म्यूचुअल फंड, कुड हैपन थ्रू SIP इन म्यूचुअल फंड, कुड ऑल्सो हैपन इन डायरेक्ट इक्विटी। तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो डायरेक्ट रिटेल ने इक्विटी में तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था, और इस सब में उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, तो इसमें बढ़ोतरी होने बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें, डिपेंडिंग ऑन देयर टिकट साइज, सम विल डू इट डायरेक्टली, some will take advice from mutual fund distributors, some will take advice from wealth manager, and I think all these parts will grow. So mujhe ye nahi lagta ki kisi ek ki growth, direct investment ki growth will come at the cost of
इन्वेस्टमेंट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। इनफैक्ट पिछले एक साल में तकरीबन मैंने 500-600 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिला हूँ का, और मुझको ये जान के काफी अच्छा लगा कि सब लोग अपने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं। तो जो मिस सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिसाब से मुझे बहुत कम लगा। तो आई थिंक इसलिए एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टिंग कैन बी ईदर, इट कैन बी डायरेक्ट, इट कैन बी थ्रू फिनटेक, इट कैन बी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर और वेल्थ मैनेजर, बट आई थिंक इंक्रीजिंगली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विल टेक सेंटर स्टेज, बिकॉज रेगुलेटर भी ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जो रिटेल को स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज से दूर रखना चाहते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ ऐसे एरियाज के बारे में बात करना चाहूँगा जो इस समय बॉटम ऑफ द साइकिल पे हैं शायद, और भले ही वो फैक्टर्स की वजह से, जैसे अनसिक्योर्ड लेंडर्स की बात करें, काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखी हमने वहाँ पे, फिर रेगुलेटर भी उनके पीछे गया। एक तरफ तो स्ट्रक्चरल डिमांड का इशू नहीं है, लेकिन डर ये है कि कहीं उनके NPS बलून अप ना हो जाए। अभी तक तो ऐसे कोई बहुत बड़े डेटा नहीं दिखे, कुछ बोरोवर्स के रिजल्ट्स कमज़ोर आए। आप इस पॉकेट को कैसे देखते हैं वैल्यूएशंस पे? आपको लगता है वैल्यूएशन ट्रफ आउट हो गए या और रिस्क है यहाँ से भी? आई थिंक यहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी मॉडरेट हो गए हैं, आई थिंक, बट वैल्यूएशंस को हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे कुछ ये लेंडर पहले 40% पे ग्रो करते थे, गिवन द रिस्क इन दिस सेगमेंट, गिवन द रेगुलेटरी एक्शन इन दिस सेगमेंट, ग्रोथ इस सेगमेंट की 15-20% ही चलेगी। तो ये सेगमेंट बाकी मार्केट से बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चलेगा। और वैल्यूएशन को हम उस नजरिए से देखें तो वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, बट हमको इनसे 40%, 30% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आशीष, ये कंजम्पशन में जो एक टर्नअराउंड की बात हो रही है, कहीं पे एविडेंस भी काफ़ी क्लियर है कि आ रहा है, आप कंजम्पशन के कौन से स्पेसिफिक थीम्स में इंटरेस्ट लेंगे? क्या वो FMCG में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है, या QSR में, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में? और क्या ये टर्नअराउंड जो हो रहा है, रिबाउंड जिसे कह रहे हैं, वो मजबूती वाला रिबाउंड है या बहुत शैलो रिबाउंड है? आई थिंक कंजम्पशन इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी है। इंडिया के डेमोग्राफिक एंश्योर करते हैं कि इंडिया में कंजम्पशन की ग्रोथ हमेशा अच्छी रहेगी, बट हर इंडस्ट्री की साइकिल होती है। लास्ट 3-4 साल से आफ्टर कोविड कंजम्पशन की डाउन साइकिल थी। पिछले 18 महीने में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में हमने देखा है कि ऑलरेडी रिबाउंड आने लगा है। पिछले 3-4 महीने में हमने रूरल कंजम्पशन में भी पिकअप के साइंस देखे हैं। तो अगर आप टू व्हीलर इंडस्ट्री देखे हैं, वहाँ पे डिमांड ग्रोथ इम्प्रूव हो गई है। और काफ़ी FMCG कंपनियाँ पिछले 1 महीने में, अगर आप उनकी कमेंट्री सुने, तो उन्होंने रूरल पिकअप की बात करी है। बट हमारा फोकस कंजम्पशन की सिलेक्ट पॉकेट्स में है, जैसे ऑटो है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, और FMCG में बहुत सिलेक्टिव है, क्योंकि FMCG में सिर्फ डिमांड की बात नहीं है बट डिस्ट्रप्शन भी हुआ है।